एक तरफ जहां सरकार जल जीवन हरियाली के तहत पर्यावरण को बचाने के लिए कई योजनाएं ला रही है और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के युवा भी इस योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको सीधा लेकर चलते हैं बिहार के गोपालगंज में, जहां वीडियो में दिख रहे ये तीन युवकों ने पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर लगभग हजारों किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय कर गोपालगंज से राजस्थान तक जाकर पर्यावरण के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाने का काम किया है। आपको बता दें, इनका मुख्य उद्देश्य है कि एक व्यक्ति एक पौधा लगाए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं ये युवक और स्थानीय। बिहार से राजस्थान जैसलमेर के लिए जा रहे हैं और ये पूरा 25 दिन का यात्रा है, जिसमें हम 5000 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस तय करेंगे। और इस यात्रा में हमारा मेन मोटिव यह है कि हम एनवायरमेंटल चेंज और क्लाइमेट चेंज के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, जिसमें हमारा मेन मोटिव यह है कि हम प्रत्येक व्यक्ति से जागरूक करेंगे कि आप अपने जीवन में शैली में एक पेड़ जरूर लगाएं। एक पेड़ और एक आदमी पर हमारा मेन मोटिव यही है। यह पूर्ण रूप से पूरा विश्व जो है आज जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है, और उसमें खास करके गोपालगंज के ये तीन ऋतिक रमन और ऋषभ और राशिद जी, यह लगभग 5000 किलोमीटर दूरी जो यात्रा तय कर रहे हैं, उसमें इन लोगों का एक मुख्य लक्ष्य है कि एक व्यक्ति एक पेड़ लगावे। और यह युवाओं के लिए, समाज के लिए यह एक बहुत ही आवश्यक है, जिसमें कि प्रकृति आज जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ये बिना इस पेड़ के बिना यह पूरे हरियाली जब तक चारों तरफ नहीं होगा, न हम स्वस्थ रह सकते हैं, न हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन प्रयास युवाओं के संदेश के लिए, हम सभी इनका स्वागत करते हैं। तो वही स्थानीय लोगों ने इन युवाओं को फूल माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर विदा किया है। बता दें, पर्यावरण को बचाने के लिए निकले इन तीनों युवकों ने साइकिल से इतनी लंबी दूरी तय करने की ठानी है।